दोस्तों, अगर आपने भी नया आधार कार्ड बनवाया है तो आपको भी कुछ इस तरीके का रिसिप्ट मिला होगा जिसमें कि इनरोलमेंट नंबर दिया होता है। आप जानना चाहते होंगे कि आपका आधार कार्ड बना कि नहीं, यानी कि इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनरोलमेंट नंबर से आप अपने आधार कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करेंगे। ए टू जेड आपको जानकारी देने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन कुमार है और ओनली टेक लाइव चैट के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इसके लिए आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए UIDAI.gov.in और इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको फर्स्ट में गेट आधार का ऑप्शन दिखेगा, सेकंड में अपडेट आधार का ऑप्शन दिखेगा। उसे में आपको अपडेट आधार में ही चेक आधार अपडेट स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिंपली चेक आधार अपडेट स्टेटस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको रिसिप्ट में दिया गया इनरोलमेंट नंबर फिलअप करना है और इसके बाद ये वाला कैप्चा यहाँ पे फिलअप करना है। लेकिन इनरोलमेंट नंबर किस तरफ से फिलअप करना है आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले 14 अंक का यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आपको फिलअप करना होगा, उसके बाद कंटिन्यू आपको रिसिप्ट में दिया गया वहाँ पे डेट आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि 2022 है तो 2022, उसके बाद मंथ अगर 8वां मंथ है तो 08 और उसके बाद 8 तारीख है तो 08, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद डेट और उसके बाद वहाँ पे रिसिप्ट में टाइमिंग भी दिया होगा, तो टाइमिंग किस तरफ से फिलअप करना है, सबसे पहले आवर्स यानी कि घंटा वहाँ पे लिखना है, अगर 23 घंटा है तो 23 घंटा, उसके बाद मिनट वहाँ पे फिलअप करना है, जैसे 12 है तो 12, तो 23 12, और फिर सेकेंड अगर है 4 तो 04, तो 23 12 04। यानी कि इनरोलमेंट नंबर, डेट और यहाँ पे टाइम जो भी है वो आपको कुछ इस तरीके से फिलअप करना है, उसके बाद कैप्चा फिलअप करना है। इनरोलमेंट नंबर और फिर कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। कैप्चा सही होगा तो नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। यहाँ पे आपको स्टेटस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज और यहाँ पे वैलिडेशन स्टेज, इसमें आपको लिखा हुआ है योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड बाय योर आधार कार्ड इज बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू, यानी कि आपका आधार कार्ड इनका आधार कार्ड बन गया है और नीचे यहाँ पे कंप्लीटेड का भी ऑप्शन शो कर रहा है। तो अगर आपका भी आधार कार्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा तो यहाँ पे कंप्लीटेड का ऑप्शन आ जाएगा और बोल दिया जाएगा कि आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपना इनरोलमेंट नंबर से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे, या फिर वो वीडियो अगर आप एक दिन बाद ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वो वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना चाहते हैं या फिर आधार के कार्ड के बारे में कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।